हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जियो फ़ोन में वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं मेरे जियो फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट है, और किसी भी जियो फ़ोन में आप वाईफाई कनेक्ट कर उसमें इंटरनेट चला सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है या उसमें रिचार्ज नहीं है, डेटा वगैरह नहीं है, तो भी आप किसी फ़ोन से हॉटस्पॉट पकड़वा कर उसे कनेक्ट कर अपने फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने जियो फ़ोन का जो वाईफाई है उसे जिस फ़ोन से कनेक्ट करना है, सिंपली उस फ़ोन पर जाना है। मान लीजिए मुझे इस वाले फ़ोन से जो है इस फ़ोन को कनेक्ट करना है, तो इस फ़ोन को सिंपली आपको करना है कि ऑन करना है, एंड ऑन करने के बाद यहाँ से जो स्क्रीन लॉक है उसको ओपन कर देना है, एंड इसके बाद इस फ़ोन को ऊपर के साइड स्वाइप करना है, एंड इस फ़ोन का जो इंटरनेट है इसको ऑन कर देना है। एंड इस फ़ोन में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको हॉट स्पॉट का, यहाँ पर देख सकते हैं हॉट स्पॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। एंड ऑन करने के बाद आपको करना कि आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, एंड इस फ़ोन का जो अब काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको करना कि आपको सिंपली अपने जियो फ़ोन पर आ जाना है, एंड जियो फ़ोन पर आने के बाद यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर वाले जो बटन है इसको सिंपली प्रेस करना है, एंड ऊपर प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक वाईफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली वाईफाई वाले ऑप्शन पर चले जाना है, एंड इस पर जाने के बाद आपको ये जो सेटिंग वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको सिंपली जियो वाले बटन को प्रेस करके सेटिंग में चले जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, एंड नीचे यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हैं वाईफाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यह ऑफ है, एंड इसको आपको ऑन कर लेना है यहाँ से। और ऑन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया। तो आपको करना है कि आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर के साइड में यहाँ पर एक अवेलेबल नेटवर्क का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इस पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल नेटवर्क, तो इस पर आने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी नेटवर्क रहेंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो मैंने इस फ़ोन का जो है कि हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी 10 जो है कि इस फ़ोन का नेटवर्क शो हो रहा है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए करना कि आपको सिंपली इस बीच वाले बटन को जो है प्रेस करना है, एंड जैसे ही प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको नीचे आना है, नीचे ये पासवर्ड वाला सेक्शन में आना है, एंड इस पर आने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होगा। वो पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, इस फ़ोन में आपको सिंपली आना है, एंड इस फ़ोन में आने के बाद जो हॉटस्पॉट आपने ऑन किया था उस वाले हॉटस्पॉट को आपको कुछ देर तक इसी तरह प्रेस करना है। एंड जैसे ही प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं एक कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक सेट अप पोर्टेबल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ये जो आई वाली आइकन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके हॉटस्पॉट का जो भी पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पर शो होगा। तो आपको ये वाला जो पासवर्ड है आपको सिंपली आपके जियो फ़ोन में ये वाला पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा पासवर्ड है 1333456 78, तो वही पासवर्ड सेम ही है जियो फ़ोन में डालना है। तो मैं यहाँ पर वो वाला पासवर्ड डालकर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया है। आपको देखने के लिए पासवर्ड देखने के लिए आपको नीचे जाना है, यहाँ पर शो पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो देख सकते हैं इस फ़ोन का जो पासवर्ड था वही मैंने वहाँ पर यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्टेड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली करना क्या उस पर क्लिक कर देना है, ये जियो वाली बटन को प्रेस करना है, एंड जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो है कि कनेक्टेड लिख रहा है, और यहाँ पर ये सिंपली जो है कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट लिखा हुआ है और यह कनेक्ट हो चुका है। अब आप बिना इंटरनेट का यहाँ पर नेट जो है कि यूज कर सकते हैं।
मान लीजिए अब जो है कि मेरा नेट जो है कि बंद है और यहाँ पर मैं यूट्यूब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि यूट्यूब चल रहा है वो भी देख सकते हैं, और मेरा जो है कि नेट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बंद है, यहाँ पर ऐसे देखिए नेट बंद है और वाईफाई से कनेक्टेड है इसलिए चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने जियो फोन में वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप अपने जियो फोन में वाईफाई को कनेक्ट करना सीख गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल का जो बेल आइकन उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए।